नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है 15 सेकंड में पूरी खबर का। रेलवे में अपनी जॉब पर वापस लौटी साक्षी मलिक, कहा आंदोलन से पीछे हटने की खबर गलत, सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में निभा रही हूं अपनी जिम्मेदारी। अवधेश राजिया कांड में माफिया मुख्तार अंसारी को उम्र कैद 1,20,000 का जुर्माना भी लगा, वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। राजधानी रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान, कहा बस्तर में तय है परिवर्तन, राज्य में तय है फिर से बीजेपी की सरकार। एक दिवसीय दौरे पर कोंडा गांव जाएंगे सीएम भूपेश बघेल, दौरे पर बोले विधायक संतराम नेताम, सीएम देंगे करोड़ों की सौगात, बीड़मा में होगी आम सभा। बलरामपुर पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर किया जोरदार स्वागत, 21 करोड़ की लागत से बने 2 पुल का गृह मंत्री ने किया भूमि पूजन। मुंगेली में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजीत बनर्जी ने शुरू की साइकिल यात्रा, जन यात्रा के नाम से शुरू की साइकिल यात्रा, यात्रा में कांग्रेस नेता समेत कई युवा हुए शामिल। दुर्ग में किसान के रखे पैरावट में लगी भीषण आग, 20 एकड़ में रखा पैरावट जलकर खाक, अंडा थाना क्षेत्र का मामला। धमतरी में किसानों का प्रदर्शन, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने किया चक्का जाम, अधिकारियों से चर्चा के बाद किसानों ने खत्म किया आंदोलन। बेमेतरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा मोबाइल चोर गिरोह, आरोपी देवा शिकारी और विक्की पासवान गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 21 मोबाइल के साथ 5 लाख रुपए बरामद। राजनाथ गांव में माफियाओं के हौसले बुलंद, एनीकट के खुले 5 गेट, हजारों लीटर बहा पानी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रायपुर में गोंडवाना समाज के संगठन मंत्री विकेश कुमार बीजेपी में शामिल, पूर्व संयुक्त कलेक्टर पीआर निर्मल ने भी थामा बीजेपी का दामन। सारंगढ़ में ईंट भट्टे के खिलाफ कार्रवाई, नियमों की अनदेखी कर चल रहे थे भट्टे, ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने दिए कार्रवाई के निर्देश। अंबिकापुर में 3 कोयला तस्करों पर कार्रवाई, मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई, कोयले से भरा ट्रैक्टर भी बरामद। सीएम भूपेश बघेल का गोधन योजना के हितग्राहियों को सौगात, 21 करोड़ 31 लाख की राशि की खातों में ट्रांसफर, अब तक 538 करोड़ 89 लाख रुपए का भुगतान। सीएम भूपेश बघेल ने पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। रायपुर में बीजेपी ने पानी की किल्लत को लेकर निगम मुख्यालय का किया घेराव, जल संकट से प्रभावित लोग भी प्रदर्शन में हुए शामिल, अमृत मिशन योजना में नाकामी का लगाया आरोप। कांग्रेस पर अजय चंद्राकर का बयान, कुछ लोगों की नाराजगी आई सामने, कुछ नहीं कर सकती कुमारी शैलजा, उनका लक्ष्य है छत्तीसगढ़ को हरियाणा जैसा बनाना। छत्तीसगढ़ में होमगार्ड जवानों के मानदेय में रैंकवाइज वृद्धि के आदेश जारी, न्यूनतम 6,300 रुपए से लेकर अधिकतम 6,420 रुपए तक की वृद्धि, भूपेश सरकार ने बजट में की थी मानदेय बढ़ाने की घोषणा। होमगार्ड जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का स्वागत, का गृह मंत्री ने किया स्वागत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सीएम बघेल का जताया आभार, बोले होमगार्ड जवानों की पुरानी मांग हुई पूरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को आएंगे दुर्ग, बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान में होंगे शामिल, दौरे को लेकर सभी वरिष्ठ नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बयान, कुछ किया नहीं, अब चुनाव आ रहा है तो दौरे कर रहे हैं, 9 साल में जो किए उसको गिनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा बयान पर अजय चंद्राकर का पलटवार, बोले छत्तीसगढ़ एक परिवार का बन गया अभ्यारण्य, लोकतांत्रिक गतिविधियों को यहां पसंद नहीं करते। कांकेर में दत्तक ग्रहण केंद्र में मासूम से मारपीट, बच्चे को बेरहमी से पीट रही संस्थान की प्रोग्राम मैनेजर, मामले की कलेक्टर से की गई शिकायत। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, मासूम की पिटाई करने के मामले में महिला पर गिरी गाज, संस्थान का रजिस्ट्रेशन निलंबित। कोरिया में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सड़क निर्माण पर दिया बयान, बोले जिले में 6.5 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन सड़कों के नए सिरे से बनवाने के दिए हैं निर्देश। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री का नक्सलियों को लेकर बयान, पहले की अपेक्षा नक्सलियों का मूवमेंट बहुत कम, पूरा बस्तर अंचल आज सुख शांति से रह रहा। कांकेर में गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा, 532 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से तेलंगाना ले जा रहे थे गांजा। रायगढ़ में चोरी की स्कूटी के साथ 2 लोग गिरफ्तार,
बेचने की फिराक में थे आरोपी, दोनों चोरी के मामले में पहले भी जा चुके हैं जेल। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ में दो जवान घायल, जिला अस्पताल में दिया गया प्राथमिक इलाज। रायपुर के लिए एयरलिफ्ट, टेकमेटा पहाड़ी के पास नक्सलियों ने लगाया था आईडी। सुकमा में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, कुंदेड़ घटना में था शामिल। कुंदेड़ में डीआरजी के 3 जवान हुए थे शहीद। मित्रा के एक मंदिर में मूर्तियों को खंडित करने वाला गिरफ्तार, कई मूर्तियों को तालाब में था फेंका, शांति बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस की तैनाती। सूरजपुर में तेंदुपत्ता से लदे ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर खाक, 11 केवी बिजली लाइन की चपेट में आने से हादसा। पूर्व में पिस्टल के साथ युवक ने बनाई रील, हरकत में आई पुलिस, युवक को थाने में दी समझाइश। कोंडागांव के केशकाल में घाटी में लगा जाम, खुला ट्रकों के खराब होने के चलते लगी वाहनों की लंबी लाइन, यात्रियों को हुई भारी परेशानी। धमतरी में गबन का आरोपी कर्मचारी गिरफ्तार, 37,95,000 के गबन का आरोप, आरोपी आबकारी विभाग में था पोस्टेड। जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, बगीचा थाने के बंडोट टोली की घटना। बड़ौदा बाजार में सीसीटीवी के जरिए चोरी के मामलों का खुलासा, अब तक 18 मामलों में 10,55,000 की बड़ी रकम बरामद। सूरजपुर में कोयला खदान में 5वें दिन भी तालाबंदी, जोबगा गांव के ग्रामीण कर रहे खदान का विरोध, नौकरी और मुआवजों की कर रहे हैं मांग। कवर्धा में बिजली विभाग की लापरवाही, बिजली के तार से हादसे का डर, शिकायत के बाद भी नहीं दिया जा रहा ध्यान। जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक, बगीचा थाने के बंडो टोली की घटना। नंडरा के मरवाही वन मंडल में पेड़ों की कटाई जारी, अवैध कटाई को वन विभाग रोकने में नाकाम, रोजाना कई ट्रक काट रहे जा रहे पेड़। बलरामपुर में 20 नग लकड़ी की सिल्ली जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ से झारखंड किया जा रहा था अवैध परिवहन। कोरबा के बैंक में मिला सांप, सर्वर रूम में बैठा था कोबरा, रेस्क्यू टीम ने कोबरा को पकड़ा। जगदलपुर में इंद्रावती नदी के लिए अभियान, चित्रकोट वाटरफॉल से शुरू हुई पदयात्रा, नदी को बचाने की मांग। छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार, कुछ स्थानों पर अंधड़ और वज्रपात होने की आशंका, गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। मैनपाट में अचानक बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश, जनजीवन प्रभावित। कवर्धा में मौसम में बदलाव, हवा के साथ रिमझिम बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। मोदी ने यशवंत सागर का किया वर्चुअली निरीक्षण, पीएम ने रामसर साइट, सिरपुर तालाब को भी देखा, मेयर और सांसद लालवानी भी हुए शामिल। तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत, तालाब में नहाने गए थे 3 बच्चे, घटना के बाद गांव में पसरा मातम। उमरी लूट और हत्या के आरोपियों पर 30,000 का इनाम घोषित, आईजी सुशांत सक्सेना ने घोषित किया इनाम, सराफा कारोबारी से हुई थी 50 लाख से ज्यादा की लूट। सीएम हाउस में सागर के 3 मंत्रियों के बीच हुए विवाद को लेकर हुई बैठक, सीएम ने मंत्रियों को आपसी तालमेल बनाए रखने के दिए निर्देश। लव जिहाद मामले में साध्वी की अपील, अपने परिवार पर यकीन रखें बेटियां, लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े। विश्व पर्यावरण दिवस पर सीएम शिवराज का मंत्र, कहा जीवन में बदलाव से बचेगा पर्यावरण, जन्मदिन पर लगाएं पौधा। उज्जैन के योगेश्वर ठेकरी के पास युवक की हत्या, विवाद में चचेरे भाई को मारा चाकू, मामला दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। चुनाव से पहले राम की सियासत तेज, उज्जैन के दशहरा मैदान में राम नाम लेखन कार्यक्रम, कांग्रेस के कई नेता भी पहुंचे। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में ग्रामीण क्षेत्रों का किया दौरा, लाडली बहना योजना के बांटे स्वीकृत पत्र, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा किसानों का नहीं किया कर्ज माफ। बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया का बयान, आई लव यू बोल रहे राहुल गांधी, कोई नहीं सुन रहा उनकी, नहीं मिल रही सोनिया गांधी को बहू। मध्य प्रदेश में किसानों को साधने में जुटी कांग्रेस, कल मंदसौर गोलीकांड के दिन करेगी महासम्मेलन, पिपलिया में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, 2.5 लाख कर्मचारियों का सितंबर में होगा प्रशिक्षण, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों ने जारी किए जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में चुनाव गाइडलाइन के दायरे में आने वाले अधिकारियों के होंगे ट्रांसफर, एक ही जिले में 3 साल से जमे अफसरों की लिस्ट तैयार।
मध्य प्रदेश में 7 जून से होंगे सीखो कमाओ योजना के लिए पंजीयन, 15 जुलाई से प्लेसमेंट, अगस्त में प्रशिक्षण, मिलेगा स्टाइपेंड। एमपी बोर्ड के 12वीं पास छात्रों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही लैपटॉप की किस्त होगी जारी, जून के तीसरे सप्ताह में आएंगे 25,000। मध्य प्रदेश में खराब सड़कों के लिए ठेकेदार के साथ इंजीनियर भी होंगे जिम्मेदार, अधिकारियों को निगरानी के लिए साप्ताहिक निरीक्षण प्रोग्राम होगा भेजना, विभाग के प्रमुख सचिव ने दिए निर्देश। भोपाल में भाई बना भाई का दुश्मन, पेट्रोल डालकर लगाई आग, गंभीर हालत में हमीदिया में भर्ती। भोपाल नगर निगम ने शुरू की राजस्व वसूली की कार्रवाई, बकायेदारों पर कुर्की की कार्रवाई, न्यू कैटेगराइज्ड मार्केट की दुकानों में तालाबंद। भोपाल में तपती गर्मी में बिजली कटौती जारी, अलग अलग इलाकों में 3 से 6 घंटे तक बिजली गुल, मेंटेनेंस के चलते बिजली सप्लाई बंद। दमो गंगा जमुना स्कूल मामले में धर्मांतरण का हुआ खुलासा, प्राचार्य सहित 2 अन्य शिक्षक बने हिंदू से मुस्लिम, राज्य बाल आयोग की टीम को मिले अहम दस्तावेज। गंगोत्री धाम से सर पर कलश लेकर निकली बागेश्वर धाम के लिए निकली एमबीबीएस की छात्रा, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से शादी की लालचा के लिए पदयात्रा, 16 जून को बागेश्वर धाम पहुंचेगी यात्रा। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद, घर और कार पर बरसाए पत्थर, लोगों से की बदसलूकी। ग्वालियर पुलिस ने सुलझाई हत्या और अपहरण की गुत्थी, मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार, चरित्र शंका में हुआ था महिला का मर्डर। जबलपुर में बस हादसे का शिकार ड्राइवर और 2 युवक घायल, कटंगी बाईपास के पास हुआ हादसा। उज्जैन में ट्रॉले से टकराई बस, 8 लोग घायल, 2 लोगों की हालत गंभीर, भोपाल से उदयपुर जा रही थी बस। शिवपुरी में नर्मदापुरम से ग्वालियर जा रही बस हादसे का शिकार, 2 की मौत, 6 घायल, बस के आगे जा रही गाड़ी का टायर पंचर होने के चलते एक्सीडेंट। शाहजहांपुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी कार, 1 शख्स की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। शाहजहांपुर में बैंक में लगी आग, वाटर वर्कर्स के सामने की घटना, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। सतना के मैहर में मां शारदा के दरबार में सचिन पायलट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, विधायक तरुण भनोत भी रहे मौजूद। अंबिकापुर में स्वच्छता दीदियों की पहल, प्लास्टिक यूज को कम करने की पहल, बर्तन बैंक की हुई शुरुआत, बैंक से किराए पर ले जा सकते हैं बर्तन। राजनांदगांव में 48 पटवारियों को मिला जेसीसीजे का साथ, जेसीसीजे ने पटवारियों की मांग को जायज ठहराया। कवर्धा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, नीचे झुके आई टेंशन बिजली के तार, ग्रामीणों ने विभाग से लगाई मदद की गुहार। कोरिया में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बरसात, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। कोरबा में भी बदला मौसम का मिजाज, आसमान में छाए बादल, तेज गर्मी से लोगों को मिली राहत।